Assalamualaikum. Welcome back to Aysha's kitchen. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ भुना छोला. देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. छोले 2 कप बड़े वाले, इसे 6 से 7 घंटे भिगो कर रख दें. प्याज 2 अदद दरमियानी बारीक काट लें. 2 अदद दरमियानी साइज के टमाटर, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, ऑयल 1/3 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. पिसा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा जीरा 1 टीस्पून, 3 से 4 अदद छोटी हरी मिर्चें, इसको 2 टुकड़ों में काट लें. पतीले में छोले डालकर उसमें प्याज डाल दें, इसके साथ ही टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें. अब इसमें सारे मसाले डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा जीरा, गरम मसाला, हल्दी और नमक. ये सब डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब इसमें 4 से 5 गिलास पानी डाल दें. अब इसे ढक कर लो फ्लेम में पानी खुश्क होने तक पकाएं. और वक्फे वक्फे से इसको चेक करते रहें. इसका पानी खुश्क हो चुका है. पानी खुश्क होने के बाद इसको अच्छे से 2 मिनट भूनेंगे. अब इसमें ऑयल डाल देंगे. और मज़ीद 5 मिनट तक इसे भूनते रहेंगे. भुना छोला तैयार है. अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करते हैं. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें. ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है. ये रेसिपी मेरे बाबा की है. आप मेरे अम्मी और बाबा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इसे ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. खुश रहें. मुझे और सबको अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.